बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी, सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स में खुश आमदी। प्यारे बच्चों, हम हरूफ तहजी पढ़ रहे हैं और आज हम पे प की आवाज़ भी सीखेंगे, इसका नाम भी सीखेंगे, इससे बनने वाले बहुत सारे अल्फाज के बारे में सीखेंगे, फिर इसकी शक्ल की पहचान करेंगे और फिर हम पे की बड़ी शक्ल, पूरी शक्ल और इसकी छोटी और आधी शक्ल भी लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो हम सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करने जा रही हूँ कि हमें अपनी तमाम वो कुदरती चीज़ें जो हमें अल्लाह ताला ने तोहफे में दी हैं, उन्हें ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल पानी है, हमें पानी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जितना पीना हो उतना अपने ग्लास में डालें और उसको पी लें। जब हम नहा भी रहे हों तो हमें इतना ज़्यादा पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम लोग मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं तो नल को खोल के रखते हैं, हमें उसे भी उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। तो हमें पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। थी ना अच्छी बात, और हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। तो चलें आए चलते हैं आज के सबक की तरफ और इसी तरह से बहुत कुछ सीखेंगे आज हम इस सबक में। प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ, आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है और मुझे बताना है इनके नाम क्या हैं। जी, ये ग्लास में क्या है? पानी। जी बिल्कुल वही पानी जिसकी हमें अभी बात कर रहे थे कि हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये बताएं ये लड़का किस चीज़ पर बैठा हुआ है? जी ये लड़का पलंग पे बैठा हुआ है। और ये क्या है? जी ये एक पौधा है और पौधे के छोटे छोटे से पत्ते हैं। जी ये पत्ता है, बिल्कुल ठीक। और आपको पता है जब हम पानी देते हैं पौधों को तो उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो दरख्त बन जाता है बहुत जल्दी। अच्छा ज़रा गौर करें, पानी, पत्ता, पलंग, इसकी आवाज़ क्या है? प। पे की आवाज़ क्या है? प। पे की आवाज़ क्या है? प। और ये पे की शक्ल है। अब हम देखते हैं कि पर्दे के नीचे जो इसके हिज्जे लिखे हुए हैं इनमें पे कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है पे। पानी में ये पे लिखा हुआ है। पत्ते में भी ये पे लिखा हुआ है। पलंग के यहाँ पर ये पे लिखा हुआ है। तो हमें पे की पूरी शक्ल की तो पहचान हो गई है। अच्छा, अब हम पे की आवाज़ और नाम के साथ सारे अल्फाज मिलके पढ़ते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़ना है। पे प पर्दा, पे प पानी, पे प पत्ता, पे प पलंग। वेरी गुड, आप लोगों को तो सब कुछ आता है। अच्छा, अब हम पे की पूरी शक्ल और पे की आधी शक्ल, क्या आपको लिखना आती है? नहीं आती? मैं आपको पूरी और आधी शक्ल यानी छोटी शक्ल भी लिख के बताती हूँ कि कैसे लिखते हैं। तो चले यहीं चलते हैं लिखाई की प्रैक्टिस की तरफ। ऊपर से नीचे यहाँ सीधी लेटी हुई लाइन और ये ऊपर की तरफ छोटा सा कर्व और नीचे तीन नुक्ते, ये है पे, पे की पूरी शक्ल। जी बच्चों, अब हम लोगों ने पे की शक्ल लिखने की प्रैक्टिस कर ली है। अब इसको हम हवा में लिखेंगे, अपनी कलाई पर लिखेंगे ऐसे, बिल्कुल ठीक। और ऐसे टेबल पे लिखेंगे, रेत पे लिखेंगे। और इस तरह से आज हमने इस वीडियो में पे प की आवाज़ भी सीखी, इसका नाम भी सीखा, उससे बनने वाले बहुत सारे अल्फाज भी सीखे और हमने इसकी बड़ी और छोटी दोनों शक्लों की पहचान करते हुए उसे लिखना भी सीखा। मज़ीद जानने के लिए, मज़ीद सीखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।